हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लॉस एंजल्स डॉडगर्स और न्यूयॉर्क मेट्स बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ साथ हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। आप ये बात खुद समझ सकते हैं कि हम लास्ट में आपको यूट्यूब पर टीम को प्रोवाइड नहीं करवा पा सकते, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों, आपको ये भी बताऊँगा कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या कुछ रहा है, कि हमें किस कॉम्बिनेशन के आधार पर चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा LAD यानी कि डॉडगर्स के बारे में। वन ऑफ मोस्ट माई फेवरेट टीम है दोस्तों, एक SFG और एक LAD दोनों ही मेरी फेवरेट टीम्स हैं। तो दोस्तों, अब बात करें कि इसने कितने मैच प्ले किए हैं। तो इन्होंने अभी तक 121 मैच प्ले किए हैं, जहां पर 75 दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 75 मैचों विन और 46 मैच में लॉस का सामना किया है। दोस्तों, नेक्स्ट लेवल की टीम है, तो इस टीम से मैं 6 प्लेयर बिठाऊँ तो वो भी कम पड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं वही बात करूँ न्यूयॉर्क मेट्स के बारे में, तो न्यूयॉर्क मेट्स ने 120 मैच अभी तक प्ले किए हैं, जहाँ पर 60 में विन और 60 में लॉस का सामना किया है। तो ये टीम भी काफ़ी ठीक ठाक की टीम है दोस्तों, 50-50 का रेशियो है, और जो 50-50 का रेशियो मैं उस टीम को काफ़ी अच्छी खासी मानता हूँ, इसलिए मैं हम यहाँ पे 3, 6 या फिर 5 और 4 का ऑप्शन बनाकर चल सकते हैं। वैसे दोस्तों, 5 और 4 का को जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि जो न्यूयॉर्क मेट्स है वो भी काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर है। दोस्तों, अब बात की जाए ड्रीम टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से अच्छी टीम प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पर। तो दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मैंने यहाँ पर 3 आउटफील्डर और 4 इनफील्डर को चूज़ किया है, और यहाँ पर 2 और 5 को बनाकर चल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूँगा कि आपको अपनी टीम के लिए किस आउटफील्डर, किस इनफील्डर, किस पिचर, किस कैचर को उठाना है, तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर 5 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं पर राइट कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि हम 5 और 4 का कॉम्बिनेशन इस टीम में काफ़ी अच्छा खासा अपना कर चल सकते हैं। बाकी फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टीम के बारे में आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पोलक के बारे में, यानी कि ऑफील्डर के बारे में। तो दोस्तों, पोलक को आप अपनी टीम में वॉइस कैप्टन लेके चल सकते हैं, क्योंकि जो इनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा जा रहा है, तो आप इन्हें अपनी टीम में वॉइस कैप्टन लेके चल सकते हैं दोस्तों। और जो कैप्टन के बारे में बात करें, तो अगर आप दोस्तों ग्रैंड लीग में 11 टीम में लगा रहे हैं, तो अपनी एक टीम में कैप्टन लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करें नीमो के बारे में, तो जो नीमो है वो भी काफ़ी अच्छे खासे परफॉर्मेंस है लगातार कुछ मैचों से। दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं 8-8 पॉइंट को क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई क्रिकेट नहीं है जहाँ आपको प्लेयर के 50, 80, 100 पॉइंट देखने को मिल जाए, ये दोस्तों बेसबॉल है। यहाँ पर प्लेयर अगर 4 पॉइंट भी कलेक्ट कर रहा है तो वो भी आपको ड्रीम टीम में देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये कोई कॉमन बात ही है। मैं पिलर के बारे में बात करूँ, तो पिलर ने पिछले मैच में 24 पॉइंट कलेक्ट किए थे अपनी टीम के लिए, और मेरा मानना है दोस्तों, हम इन्हें अपनी टीम में अच्छी खासी पोजीशन पर लेके चल सकते हैं, अगर हम ग्रैंड लीग में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब बात है दोस्तों इनफील्डरों के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मुंशी के बारे में। दोस्तों, स्टार प्लेयर है, और मेरा मानना है जो फिलहाल जो इनकी परफॉर्मेंस है वो किसी को आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, किसी भी बेसबॉल मैच के अंदर 52 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और दोस्तों कोई प्लेयर 52 पॉइंट कलेक्ट कर रहा है तो मेरा मानना है कि अगर आप 11 टीमें बना रहे हैं तो कम से कम 5 टीमों में इन्हें कैप्टन बनाकर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों, स्टैट के ऊपर होता है, स्टैट के आधार पर ही मैं आपको फाइनल टीम देता हूँ। टर्नर के बारे में बात करें, तो दोस्तों पिछले मैच में 17 पॉइंट कलेक्ट किए थे, और आप इन्हें अपनी में अच्छी खासी पोजीशन पर लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात की जाए सीगर के बारे में, तो जो सीगर प्लेयर है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं। अगर आप ग्रैंड लीग में 6 या फिर 11 टीमें बना रहे हैं तो आप अपनी टीम में एक कैप्टन या वाइस कैप्टन लेके चल सकते हैं सीगर को, जो कि जो इनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा जा रहा है फिलहाल के मैचों में, आप चेकआउट कर सकते हैं। लगातार मैचों से दोस्तों प्ले नहीं कर रहे थे, इनको टीम से ड्रॉप किया जा रहा था, लेकिन जो इन्होंने वापसी की वो काफ़ी खतरनाक रही थी इनकी, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी खासी वापसी की थी इन्होंने। तो दोस्तों, मैं व्हीलर के बारे में बात करूं, तो व्हीलर का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों लगातार कुछ मैचों से, और मेरा मानना है कि आप अगर आप ग्रैंड लीग में पैसा लगा रहे हैं तो एक टीम इनको कैप्टन भी लेके चल सकते हैं।
पिचर के। दोस्तों पिचर के लिए इस मैच में दोस्तों कोई भी आपके लिए अच्छी खासी चॉइस नहीं होने वाली है। तो दोस्तों पिचर जो ये कहते हैं डब्बा होने वाला है वो मैं इसको दोस्तों स्किप करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर एक ठीक ठाक ऑप्शन दोस्तों ठीक ठाक बंदा दोस्तों इनका परफॉर्मेंस पिछले मैच में ठीक ठाक था, 3 पॉइंट कलेक्ट कर लिए थे। और कैचर के बारे में बात करूँ तो दोस्तों कैचर के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शन है दोस्तों। जो सिस्को है ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शन है क्योंकि पिछले मैच में 9 पॉइंट कलेक्ट किए थे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर काफ़ी बड़ा ऑप्शन नहीं बनाने वाले, इसलिए मैंने स्मिथ को ट्राई किया है। बाकी दोस्तों स्टैट के ऊपर होता है और फाइनल टीम मैं आपको हमेशा स्टैट के ऊपर ही देता हूँ टेलीग्राम पर। दोस्तों टीम का प्रयोग करते हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इस टीम में 3 आउटफील्डर 4 इनफील्डर 1 पिचर 1 कैचर को उठाया है। तो इसको दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। तो कैप्टन की चॉइस दोस्तों एक ही होने वाली इस मैच के अंदर मुंशी, और दोस्तों वॉइस कैप्टन की चॉइस आपके लिए पोलक ही होने वाली है। अगर दोस्तों आप सीगर को भी ट्राई कर सकते हैं एज अ वॉइस कैप्टन, टर्नर भी दोस्तों आपके लिए अच्छी खासी चॉइस हो सकती है एज अ वॉइस कैप्टन। तो वॉइस कैप्टन के लिए आपके पास 3 चॉइस होने वाली है और कैप्टन के लिए सिर्फ आपके पास एक ही चॉइस होने वाली है। तो दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं सेव करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।